आप देख रहे हो अपना कश्मीरी किचन डिजाइनर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे कि थ्री डोर शेड वाला वार्डरूम हमको किस तरह से डिजाइन करना चाहिए। चलो दोस्तों वीडियो में चलते हैं। ये आप वार्डरूम देख सकते हो, तीन डोर वाला स्लाइड वार्डरूम, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर पहला इसका पार्टीशन, नीचे दो बास्केट दिए गए हैं, ये यहाँ पर देख सकते हो आप, नीचे दो बास्केट दिए गए हैं, ये देख सकते हो आप। थ्री डोर स्लाइड वार्डरूम हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इसको इंस्टॉल किया गया है। अंदर वाले जो पार्टीशन होते हैं, ऊपर हैंगिंग के लिए जगह दी गई है, और नीचे हम तह लगाकर भी कपड़े रख सकते हैं। ये पहला डोर का पार्टीशन था, ये सेंटर वाला डोर, ये देख सकते हो आप, ऊपर किड्स हैंगिंग के लिए जगह दी गई है छोटे बच्चों के लिए, ये देख सकते हो आप। नीचे तह लगा करके कपड़े रख सकते हैं। नीचे दो ड्रायर दिए गए हैं, चार चार इंच के देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप, चार चार इंच के दो ड्रायर। ये सेंटर वाला डोर देख सकते हो आप, इसमें जो चैनल का यूज़ किया गया है, डबल ट्रैक वाली चैनल, तीन डोर में वो इस्तेमाल होती है, डबल ट्रैक चैनल जिसमें तीन डोर चलते हैं। ये तीसरा भाग आप देख सकते हैं इस वार्डरूम का, तीसरा पार्टीशन, ऊपर हैंगिंग के लिए जगह, नीचे दो बास्केट, ये देख सकते हो आप। स्लाइड में बास्केट ठीक रहता है, बास्केट इंस्टॉल करना स्लाइड वार्डरूम में, ये देख सकते हो आप किस तरह से हमने इसको प्लान किया है वार्डरूम को। ऊपर देख सकते हो आप बड़ा सामान रखने के लिए जगह, दो फुट का डोर ऊपर, ये आप देख सकते हैं पूरा वार्डरूम का डिज़ाइन, थ्री डोर स्लाइड वार्डरूम, ये पूरा डिज़ाइन आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।